हाय एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेड बीन सैलेड रेसिपी जो कि पोस्ट वर्कआउट मील्स में भी आपके काम आने वाली है इसके अंदर है काफी सारा प्रोटीन और फाइबर और जो हमारे एनर्जी लेवल्स को काफी हाई रखती है और आप इस वाली सैलेड को अपनी वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हो जो आपके वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं रेड बीन सैलड बनाने के लिए पहले हम पनीर को थोड़ा सा सौते करेंगे हम इसमें सौतेद पनीर यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है तो मैं डाल रही हूँ 200 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ पनीर और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है क्योंकि ये हाई प्रोटीन सैलड है तो मैं इसमें प्रोटीन का यूज इसमें पनीर का यूज़ करने वाली हूँ और इसको आपको ध्यान रखना है ऐसा आपको इसे हिलाते रहना है ताकि ये थोड़ा सा रेड रेड थोड़ा पिंकिश सा हो जाए हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है पनीर को तो पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो हम इसको अपने एक छोटे से बोल में निकाल लेंगे फिर हम इसको अपनी सैलड में यूज करने वाले हैं तो ये मैंने सारा का सारा पनीर निकाल लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रोकली तो ब्रोकली में बहुत हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है प्रोटीन होता है तो ये भी बहुत हेल्प करती है हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इनक्रीज़ करने के लिए तो इसको भी कट करके मैं आपको बताती हूँ आपको ऐसे हाफ कट करके और इसकी ऐसे स्टेम काट देनी है फिर आपको ऐसे ऐसे इन हाँ, फिंगर से इसको अलग अलग कर लेना है इनकेस अगर आपको जब लगे कौन सा पीस बड़ा है उस हिसाब से आपको इसको साइजेस में उसी साइजेस uh, में इक्वल साइजेस में कट कर लेना है अभी आ गई है गाजर तो मैं रेड वाली गाजर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेड वाली कैरेट का भी सीजन है तो जब ऑरेंज का सीज़न हो तो आप ऑरेंज डाल लो तो इसका भी ऊपर का जो हम स्टेम है ऐसे कट कर लेंगे तो इसको भी हम छोटा छोटा कट करेंगे बेसिकली क्या होता है जो सैलड्स होती है ना इनका साइज़ एकदम इक्वल होना चाहिए सभी वेजिटेबल्स का क्योंकि साइज़ जब ऊपर नीचे होता है तो वो देखने में भी, भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आता तो साइज़ का आपको एक्चुअली ध्यान रखना है ब्रॉकरी जैसे साइज की काटोगे उसी साइज की आपको कैरेट काटनी है तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ये ब्रोकली और कैरेट इन दोनों को हम बॉईल नहीं करेंगे हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए मैंने एक नीचे कढ़ाई रख ली है आप भी ऐसे कोई भी चीज रख लेना इसके अंदर पानी जब बॉयल होने लगे ऊपर से जैसे प्लेट रख लेना तो प्लेट के ऊपर ऐसे हम एक साइड ब्रोकली और एक साइड अपनी कैरेट लगाएंगे और ऊपर उसे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि ताकि अंदर तक थोड़ा सा इसके अंदर नमक रच जाए और ढकेंगे इसको पकाएंगे जब तक कि थोड़ी थोड़ी कच्ची पक्की रहे तो अभी इसको ओपन करके मैंने देखा है पाँच मिनट बाद ही ये मेरी ब्रोकली जो है बिल्कुल रेडी हो गई है मेरे को सैलड में यूज़ करने के लिए तो मैंने एक बहुत बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है इसके अंदर मैंने डाले हैं राजमा यानि कि रेड बीन्स जो बिल्कुल प्रॉपरली बॉइल्ड है तो उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज और ये आ गई है अभी स्टीम की हुई कैरेट और ब्रोकली और साथ में ही चला जाएगा वन टमाटो और इसके साथ ही चला जाएगा एक पूरा अनार अनार भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस रेड बीन सेलड में और साथ में ही पनीर और अब मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून चाट मसाला थोड़ा सा काला नमक नमक आपको ध्यान रखना पहले हमने सब्जियों में भी डाला था और फिर चला गया है जीरा पाउडर अभी आ गई है काली मिर्ची और साथ में ही ग्रीन चिलीज ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं खाते हो आप स्किप कर दो और थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर लेमन जूस का यूज़ कर रहे हो आप इसको ऑलिव ऑयल उल के साथ भी बना सकते हो और मैंने अभी इसको बेसिक मसालों के साथ बनाया है तो हम इसको बहुत ही अच्छा मिक्स देने वाले हैं पूरी सैलड को तो सैलड बन रेडी हो गई है आप इसको एज अ पोस्ट अपने जो भी आप जिम वगैरह करते हो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको रेस्टलेस फील होता है तो आप इस टाइम पे ये सैलड खा सकते हो या फिर हमें जैसे मिड मील में भूख लगती है आप तब इसको ले सकते हो इससे आपका वेट भी नहीं इंक्रीज होगा और आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा इनफैक्ट आपके बच्चे भी इसको लाइक करेंगे तो आप इसको अपने लंच या फिर डिनर रेसिपीज के साथ डिनर मील्स के साथ आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर सर्व कर सकते हो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना तो फ्रेंड्स इस रेडबीन सैलेड को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आई विल सी नेक्स्ट वीडियो विथ मोर एंड मोर अमेजिंग टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज टिल देन स्टे स्टे ट्यून हेल्दी टिले ड्यूटे बाय